हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा। स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं जलजीरा पिज्जा। ये हम तवे पे बनाएंगे। इसके लिए हमें घर में अवेलेबल सामान ही चाहिए होंगे, हमें ऐसे बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। जो जरूरी सामान मैंने लिया है वो है एक पिज्जा बेस, टमाटो सॉस, एक कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्ची बारीक कटी हुई, टमाटर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, साथ में लाल मिर्च, नमक, जलजीरा। ये लाल मिर्ची हमने ली है, इसको मैंने जस्ट छोटा छोटा कट कर लिया है, और साथ में हमने ली है चीज। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले हम पिज्जा बेस पे टमाटो सॉस लगाएंगे। ये हम चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे प्याज कटे हुए, टमाटर कटे हुए, साथ में डालेंगे शिमला मिर्ची जो हमने काट के रखी है बारीक। अब इस पे डालेंगे नमक, चारों तरफ अच्छे से छिड़कना है। लाल मिर्ची, ये जलजीरा हमने लिया है, इसको चारों तरफ अच्छे से छिड़कना है। ये आधा चम्मच के जितना हमने लिया है। साथ में ये जो चिली फ्लेक्स हमने लिए हैं उसको ऊपर से डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम चीज को अच्छे से कस के डालेंगे। आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। चीज को मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब इसको तवा गरम करके हम उस पे सेकेंगे। तवा गरम हो गया है, अब इस पे इस तरह का कोई भी हम स्टैंड रखेंगे। इस पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे। अब इसके ऊपर हम पिज्जा को रखेंगे और गैस को बिल्कुल लो कर देंगे और इसको इस तरह से किसी बर्तन से हम ढक देंगे। गैस बिल्कुल लो ही रखेंगे और 7-8 मिनट तक इसको पकने देंगे। पिज्जा हमारा बन गया है, चीज भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। पिज्जा हमारा बनकर तैयार हो गया है, अब हम इसको कट करेंगे। पिज्जा हमने कट कर लिया है, ये देखिए बहुत ही अच्छा बना है, इसकी चीज भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। वेजिटेबल्स को आज हमने कट कर इसलिए लिया है क्योंकि इसको हमें तवे पे बनाना है। अगर हम तेज गैस पे बनाएंगे तो नीचे से पिज्जा हार्ड हो जाएगा और सब्जियां अच्छे से गल नहीं पाएंगी। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें। थैंक यू।